नमस्कार। आज की जो हमारी बातचीत है वो है देश के उभरते हुए रंगकर्मी, निर्देशक, अभिनेता, लेखक और बाल रंगकर्म में भी सक्रिय प्रिंस सिंह राजपूत जी से। और प्रिंस सिंह राजपूत जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में रंगकर्म के और कला के कार्य करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा साक्षात्कार है वो मुख्यतः अभिनेता और निर्देशक के संबंध पर आधारित है, जिसमें मुख्यतः हम लोग प्रिंस से जो बात करेंगे वो उनके अभिनय और अभिनेता के रूप में बात करेंगे। तो प्रिंस, सबसे पहले तो आपका इस बातचीत में एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपने इनवाइट किया इस मौके के लिए, तो थैंक यू सो मच भैया। तो चलिए तो बातचीत की शुरुआत करते हैं कि आपकी जो थिएटर और कला की जर्नी थी ये कहाँ से शुरू हुई, किसे मानेंगे आप स्टार्टिंग पॉइंट? एक चीज रही, मुझे बचपन से ही न्यूज़पेपर पढ़ने का काफी शौक है, तो जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और काफी जो बड़े पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स या कुछ इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटीज के बारे में जब पढ़ता था तो उनके कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी होता था। काफी लोग जो दिल्ली से निकले हुए हैं, डायरेक्टर्स वगैरह भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कनेक्शन होता था। फिर जब कट ऑफ लिस्ट आती थी तो हम तो स्कूल में थे, हमें पता भी नहीं था कि कट ऑफ लिस्ट होती क्या है, लेकिन उस दौरान काफी चर्चे में रहते थे न्यूज़पेपर में दिल्ली यूनिवर्सिटी। और जब और जानकारियां मिली तो पता चला अच्छा हर यूनिवर्सिटी में एक थिएटर सोसाइटी होती है। तो एग्जैक्टली थिएटर क्या है ये पता नहीं था, मगर हाँ ये आइडिया था कि कुछ नाटक, कुछ एक्टिंग, कुछ सिनेमा, इन चीजों से मिलता जुलता कुछ तो पीस तैयार होता है। तो ये मन बना लिया था मैंने 11 12th के दौरान ही कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है और उसके लिए ठीक नंबर लाने हैं और वहां जाने के बाद थिएटर ज्वाइन करना है। तो जैसे ही मैं कॉलेज में आया, मुझे एक पोस्टर दिखा कि जज्बा थिएटर ग्रुप, हमारे कॉलेज की जो ड्रामेटिक सोसाइटी थी, उनके ऑडिशंस होने हैं। मैंने अप्लाई किया, 3-4 राउंड्स हुए और मैं सेलेक्ट हो गया। तो वो मेरी शुरुआत रही, जो खुद ही एक्सप्लोर करते हुए मैं वहां तक पहुंचा। मतलब कॉलेज से पहले आपका जो है नाटकों से कोई फासला नहीं था, है ना, ये समझ सकते हम लोग, या स्कूल में भी कभी किया था? बिल्कुल भी नहीं, मतलब हमारे स्कूल में सिर्फ डांस और म्यूजिक का ही ज्यादा चलन था, तो वरना अगर वहां होता तो शायद मेरी शुरुआत वहीं हो जाती, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं था, तो कॉलेज से ही शुरुआत हुई है। जी, तो फिर शुरुआत जब कॉलेज से हुई, हम लोग सब जानते हैं कैंपस थिएटर में एक प्रोसेस है, प्रोसेस ओरिएंटेड काम होता है, नुक्कड़ नाटक भी बनाते हैं और स्टेज प्ले भी बनाते हैं। आप तो फिर एक अभिनेता के तौर पर अपने इस रंगमंचीय करियर की शुरुआत कहाँ से मानते हैं और कौन सा वो पहला नाटक रहा होगा जिसमें आपको लगता है यहाँ से मेरी किक स्टार्ट मिली है? अगर मैं अभिनेता के तौर पे कहूँ, जैसे कि आपने पूछा, उससे पहले अगर मैं स्ट्रीट प्ले को देखूं तो हम परफॉर्म करते हैं, हम परफॉर्मर होते हैं। मतलब मैं नहीं मानता कि कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई कुछ और डांस कर रहा है, सब मिलके कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, एक बात कहीं पहुंचा रहे हैं। तो हमारी शुरुआत भी स्ट्रीट प्ले से हुई, उसके बाद स्टेज प्ले की तरफ बढ़े, जहां जो एक एक्टर होता है वो अपने कैरेक्टर को पूर्ण रूप से तैयार करता है। और ये हम प्रोसेस देख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के नाटक देख रहे हैं, एन एस जी रिपेट्री, एल टी जी रिपेट्री, एस आर सी रिपेट्री, दिल्ली में रहने के जो फायदे थे वो मिल रहे थे, भारंगम होते थे, वो प्लेज हम देख रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। कभी कभी क्राउड में कुछ कैरेक्टर करने का मौका मिल जाता था। तो एक प्ले जिसको मैं बहुत क्रेडिट दूंगा इस चीज के लिए, 2015 में गौरव सैनी और विकास बहारी, इन्होंने मिलकर एक ऑडिशन रखा, एक नाटक इनको डिवाइस करना था, एक नॉवेल है मोमो, उसको डिवाइस करना था नाटक बच्चों के लिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो उसके ऑडिशंस हुए, मैं उसमें गया, मैं सिलेक्ट हो गया। अब वो डिवाइस क्या होता है ये हमें नहीं पता था, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, नॉवेल को एक घंटे में कैसे करें, ये कुछ भी नहीं पता था। तो कई बार हमें इम्प्रोवाइज करने के लिए कहा जाता था, जो हमने किए हैं स्ट्रीट प्ले में किए हैं, तो हमें पता था कि अच्छा इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं। उस इम्प्रोवाइजेशन के प्रोसेस में मैं अपनी तरफ से कुछ खुराफात करता था, क्योंकि जो मुझे नुक्कड़ में मिले थे, जो चीज जो आती थी मुझे,
तो उसी दौरान मुझे कुछ कैरेक्टर्स मिलते चले गए, अच्छा तुम ये अच्छा कर रहे हो, भैया कहते थे तुम ये ट्राई करो, या कुछ ऐसा इम्प्रोवाइज कर दिया जो प्लान में ही नहीं था लेकिन अच्छा लग गया, तो वो डल गया उसमें। तो उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, सभी लोग बहुत बहुत सारे कैरेक्टर्स कर रहे थे, क्योंकि कैरेक्टर्स तकरीबन 50 थे और नाटक में एक्टर 10-12 ही थे, तो हर कोई 4-5 कैरेक्टर कर रहा था। तो उसमें मैंने एक तरह से एक बड़ा किरदार निभाया था, एक नेगेटिव किरदार, जो कि हिंदुस्तानी थिएटर की तरह जो नेगेटिव होता है या हिंदुस्तानी सिनेमा की तरह जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है वैसा बिल्कुल नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें मतलब वो नेगेटिव कैरेक्टर एक रोबोट था दरअसल। तो वो एक शुरुआत रही 2015 में नाटक मोमो, जहां से मुझे लगा कि हाँ अब मैं सिर्फ परफॉर्मर नहीं हूं, मैं एज एन एक्टर अपने कैरेक्टर, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में अपने कैरेक्टर पे काम किया था, तो इसलिए मैं उसको प्रोसेस की शुरुआत मानूंगा। मतलब आपकी शुरुआत जो है वो एक तरह से डिवाइसिंग से शुरू हुई, मैं आऊंगा इस सवाल पे, लेकिन थोड़ा सा ये भी जानना दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी जरूरी है, कुछ तो आपकी जर्नी के बारे में मैं भी जानता हूँ, लेकिन जैसे ये वाली बात मुझे नहीं पता कि आपकी शुरुआत वहां से हुई थी, तो उसके बाद कौन कौन से नाटकों में आपने अभिनय किया, थोड़ा सा उनका चर्चा जरूर कीजिए, उनके बारे में बताइए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले भी मैं कुछ नाटक कर चुका था जिसमें छोटे कैरेक्टर्स या क्राउड में होते थे, एक आधा डायलॉग कुछ छोटे रोल करते थे, जिसमें मैं आपके साथ भी प्ले कर चुका था, सम्राट अशोक प्ले, माया राम की माया, गोदान नाटक उस दौरान मैं साथ ही कर रहा था। मोमो होने के बाद मेरा एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन एक्टिंग कोर्स में हुआ जामिया में, और वहां पे कुछ सीन वर्क किए मैंने, हेमलेट का, कर्ण का, इनके कैरेक्टर्स किए, लेकिन वो सीन वर्क थे। फिर वहां पे एक पारसी प्ले किया मैंने, रुस्तम सोहराब, तो इत्तेफाक से उसका ऑडिशन प्रिपेयर किया हम लोगों ने और वो उसमें मुझे लीड रोल मिल गया सोहराब का, तो वो एक तरह से दूसरा मेरा नाटक था जिसमें मैंने एक बड़ा किरदार निभाया था। फिर उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हुआ तब लगा कि अब खुद से कुछ नाटक करते हैं, अब कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो उस दौरान भी कुछ और नाटक किए जिसमें खुद के बनाए नाटक, शादी के मंडप में, अंतरदृष्टि, इनमें मैंने एक्ट भी किया, साथ ही MPSD पास आउट हैं जतिन कुमार, उनका डिप्लोमा प्रोडक्शन में मैंने काम किया व्यक्तिगत, तो ये कुछ नाटक है जो लगातार चलते रहे हैं। तो अब यहीं से मेरा सवाल है कि आपकी जो जर्नी को देख के लगता है कि आपने विभिन्न तरह के निर्देशकों के साथ काम किया है, एक तरफ कुछ ऐसे निर्देशक थे जो आपको इम्प्रोवाइज करने को कह रहे थे, डिवाइस करने को कह रहे थे, एक तरफ कुछ युवा निर्देशक थे जो अभी अभी किसी नाट्य विद्यालय से पास आउट होकर आए थे, दूसरा कुछ अनुभवी निर्देशक JP सिंह सर जैसे, दया प्रकाश सिन्हा सर जैसे, इन लोगों के साथ भी आपने काम किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि निर्देशक और अभिनेता के संबंध पर आप क्या कहना चाहेंगे, उसके संबंध को आप कैसे देखते हैं, कैसा होना चाहिए वो? कैसा होना चाहिए, ये तो मुझे लगता है निर्देशक को एक अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन है अपने एक्टर से, और एक्टर को एक अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन है निर्देशक से, तो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए ये तो हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है प्रोडक्ट इंटेंशन क्या है, उनको चाहिए क्या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, क्योंकि एक एक्टर का डायरेक्टर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट तक होता है, वो उसका डायरेक्टर हर नाटक के लिए नहीं हो सकता, उस प्रोजेक्टर के बाद वो उसका डायरेक्टर नहीं है, अब वो उसके मेंटोर हो सकते हैं लेकिन डायरेक्टर नहीं है। तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि एक्टर तो शायद ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे कुछ सीखने को मिले, तो वो गुरु के तौर पे एक अपने डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर और गुरु में भी एक फर्क है, डायरेक्टर का जिम्मेदारी नाटक से रिलेटेड होता है लेकिन गुरु उस एक्टर का हो सकता है, उस पूरी टीम का हो सकता है, तो लेकिन डायरेक्टर का विजन होता है नाटक, तो यहाँ डिफरेंस आता है। तो जो मैंने अलग अलग निर्देशकों के साथ काम किया वहां यही है कि अगर सिर्फ 15 दिन का वक्त है शो में, तो डायरेक्टर अब ये नहीं देखेगा कि क्या प्रिंस को की कुछ ग्रोथ भी हो रही है इस कैरेक्टर के साथ साथ, नहीं हो रही है तो मैं ये मेक श्योर करूंगा, प्रोसेस को इतना लर्निंग बनाऊंगा कि प्रिंस की कुछ ग्रोथ भी हो। वही 3 महीने का वक्त है अगर,
तो डायरेक्टर पक्का ये ध्यान देता है कि मेरे सारे एक्टर की ग्रोथ भी हो और ग्रोथ के साथ एक नाटक बने, तो ये डिफरेंस चलता रहता है अक्सर। तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि एक डायरेक्टर को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके आर्टिस्ट की ग्रोथ भी हो, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि अभी तो आप बात कर रहे हैं कि अभिनेता के तौर पर निर्देशक को अभिनय के अलावा दूसरे पक्षों पर भी ध्यान देना होता है, मतलब प्रोडक्शन से जुड़े और भी काम, रिहर्सल से लेकर उसकी फाइनल शो तक बहुत सारे कामों को देखना होता है। तो आपने विभिन्न तरह के निर्देशकों के साथ काम किया था, थोड़ा सा प्रोसेस भी अगर आप बताना चाहें कि भाई एक व्यक्तिगत इस नाटक पर मुझे ये काम करने की कोशिश की मैंने और निर्देशक ने मुझे इस तरह से लीड किया यहाँ पर, मतलब निर्देशक की भूमिका वहां पर इस तरह से थी। जैसे कि जरूरी नहीं है कि वो एक इस तरह का काम हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करने का मौका मिला हो, कई नाटक ऐसे होते हैं जैसा आपने बताया 15 दिन में भी नाटक करने पड़ते हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा और वो भी एक तरह की कला है ऐसा मैं मानता हूँ। तो 15 दिन में जो नाटक तैयार करते हैं, भले ही उसमें आप कहेंगे चरित्रों का उत्थान और पतन नहीं है, टेक्निकल बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक कृति की तरह तो उभर कर आ रही है। तो जितने भी आपने नाटक किए अगर उनके सबके सबको एक एक जगह पर ले आए और एक अनुभव के तहत कहें, तो निर्देशकों के काम के प्रोसेस को जो आपने करीबी से देखा उसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक बात मैं कहना चाहूंगा जो शायद थोड़ी कड़वी लगे, मगर मैंने कोई जो बात नहीं, कर ऑब्जर्व जो बोलिए पिछले बोलिए। 10 हाँ ये तो बातचीत इसीलिए कर रहे हैं हम, ये एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ प्रिंस, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये बातचीत एक तरह से स्टूडेंट प्रोजेक्ट के तौर पर भी बातचीत कर रहे हैं। तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट में हम लोग थोड़ा सा क्रिटिकल भी होते हैं, बिना नाम लिए भी हम अपनी बात कह सकते हैं ताकि सीखने और समझने को मिले, और कल को अगर यही इंटरव्यू आर्काइव में रहे या हम लोग थोड़े सालों बाद देखें तो इस चीज को हम रिकॉर्ड की तरह देखें। तो आप प्लीज फील फ्री टू से एनीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा मैंने हिंदी थिएटर और स्पेशली दिल्ली थिएटर को देखा है पिछले 10 सालों से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे निर्देशक का विजन थोड़ा सा, कुछ निर्देशकों का थोड़ा सा भटका हुआ है। भटका किस सेंस में? उन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली कि अच्छा अब मैं थिएटर डायरेक्टर हूं, उन्होंने एक दिन अपने आप को मान लिया। वो पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है, वो मुझे भी नहीं पता, मैं भी कैसे बन गया मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन शायद एक आर्टिस्ट या शायद एक एक्टर या एक राइटर या एक परफॉर्मर निर्देशक की तरह कन्वर्ट हो जाता है, और उस दिन के बाद से उसकी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी हो जाती है नाटक बनाना। अब वो नाटक बनाना हो जाती है, उसने ये जिम्मेदारी नहीं ली थी कि मैं एक वर्कशॉप टाइप कुछ प्रोसेस डिवाइस करूंगा और देखते हैं उससे अगर कुछ नाटक बनता है तो बनता है। अच्छा, जैसे सीन वर्क होता है, अगर मैं ये सोचूं कि सीन वर्क और नाटक में डिफरेंस क्या है, उसको हम सीन वर्क क्यों कह रहे हैं, उसको नाटक क्यों नहीं कह देते? सीन वर्क भी 50 मिनट के होते हैं, नाटक का ही एक सीन होता है, कॉस्ट्यूम होता है, सब कुछ होता है, उसको भी गाइड करने वाला एक होता है, लेकिन सीन वर्क के गाइड को हम मेंटोर या गाइड कह देते हैं, उसको डायरेक्टर नहीं कहते, कई बार डायरेक्टर भी कह देते हैं। तो ये कई बार, ये चीज मुझे दिल्ली थिएटर में कई बार इसने मुझे ऐसा रियलाइज कराया कि थोड़ी सी निर्देशक की जिम्मेदारी आर्टिस्टों के प्रति कम ली है खुद उन्होंने, और प्रोडक्शन के प्रति ज्यादा ली है। प्रोडक्शन के प्रति ज्यादा लेना बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी टीम के प्रति भी लेनी चाहिए, जो उसके एक्टर हैं, बैक स्टेज की टीम है, म्यूजिक है, सब है। अब म्यूजिक के लोग 2 दिन आते हैं, वो 2 दिन में मुझे लगता है कि थोड़ा काम चलाओ म्यूजिक ही देंगे, या लाइट के आते हैं वो 1 दिन आते हैं, लाइट की रिहर्सल नहीं है तो स्टेज पे लाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ गए। और कई बार आपने देखा होगा, क्योंकि आप भी दिल्ली थिएटर में एक्टिव है, कि 30 दिन रिहर्सल करता है एक्टर, पूरी तैयारी करता है एक्टर, और जिस दिन शो होता है उस दिन जब ऑडिटोरियम में हम पहुंचते हैं तो सबसे कम शो से पहले स्टेज यूज करने का मौका मिलता है एक्टर को। मतलब वो सच एंट्री बात, एग्री ये पूरी बिल्कुल ठीक बात। तैयारी की, उस तैयारी के हिसाब से अभी जो फाइनल तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया। मतलब मैंने कपड़े बिल्कुल पहन लिए, सूट कर लिया, लेकिन मुझे बाल नहीं बनाने दिए किसी ने, अब मैं नहीं दिखूंगा अच्छा।
कुछ वहां, क्योंकि वहां सेट लग रहा है, वहां लाइट लग रहा है, वहां साउंड चेक हो रहा है, मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन कुछ हमें ऐसे मैनेज करना पड़ेगा जिसकी वजह से एक्टर भी सेटिस्फाई हो सके, वो एक हरी में ना रहे, शो से पहले एक टेंशन ना रहे उसको। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नाटक के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और हल्का कम है अपने कलाकारों के प्रति डायरेक्टर्स। ये मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव से बोल रहा हूँ, क्रिएटिव और लर्निंग, मतलब इसमें कुछ मोनेटरी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये बात आपने बहुत ईमानदारी से रखी, हम सब लोग इसके भुगत रहे हैं। इसमें हम ये भी मानते हैं कि उन निर्देशकों की भी अपनी मजबूरियां रही हैं, लेकिन काम प्रोफेशनली करने का तो तरीका वही है जो आपने अभी बताया। अच्छा, आपने क्योंकि काफी निर्देशकों के साथ काम किया है और कुछ निर्देशकों के साथ आप काम करना चाहते होंगे, है ना, कि भाई आपको लगता होगा कि काश इनके साथ काम करने का मौका मिले तो कितना सीखने को मिले, या उनके प्रोसेस को आप पसंद करते होंगे, तो कौन से वो निर्देशक हैं और उनकी कौन सी खासियत आपको प्रभावित करती है? क्या उनका कलाकारों के संबंध साथ संबंध ऐसा रहता है जो आपको लगता है कि ये पुश करती हैं ये चीजें एक एक्टर को, जिसकी आप अभी शिकायत कर रहे थे? वैसे कौन से निर्देशक है जिनके बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने अपने कलाकारों पर काम किया और काम करने का उनका प्रोसेस अगर थोड़ा आप बताना चाहें तो? बिल्कुल, एक मेरी और मेरे साथ के एक दो और लोग जिनकी फेवरेट निर्देशक रही है, जब हम दिल्ली थिएटर में रहे थे, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की डायरेक्टर रही उस वक्त, थी अनुराधा कपूर। जी। तो अनुराधा कपूर जी जब कोई प्ले करते तो हम, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट थे, मंडी हाउस जाते थे, पोस्टर्स देख लेते थे और कैसे भी मैनेज करके हम नाटक जरूर देखते थे। जब भी उनके नाटक हमने उस दौरान देखे, चाहे वो विरासत हो जो उन्होंने रिपेटरी के साथ किया, या डॉक्टर जैकल एंड हाइड हो जो उन्होंने 2012-13 के थर्ड ईयर बैच के साथ किया था, तो ऐसे कुछ नाटक जब हमने देखे, अभी अभी हाल ही में, मतलब जब लॉकडाउन से पहले उन्होंने नाले वाली लड़की भी किया था, आपने पता नहीं देखी? बिल्कुल देखा मैंने, मतलब अनुराधा कपूर मैम का मैं इस कदर फैन रहा हूँ कि मैंने अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एमए कोर्स सिर्फ अप्लाई ही और फॉर्म भरा ही इसलिए था क्योंकि मुझे पता चला वहाँ विजिटिंग फैकल्टी में मैम है, लेकिन जब मुझे पता चला वो थियरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम, तो सिलेक्शन के बावजूद मैंने जामिया चूज किया क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली करना था। तो दरअसल उनके साथ काम करने की वजह ये थी कि स्क्रिप्ट कुछ हमने भी पढ़ी है, विरासत है या कुछ और नाटक है, उनकी स्क्रिप्ट हमने भी पढ़ी, लेकिन जब उसको होते हुए देखा और कुछ होने में कुछ एक्टर्स के पास ऐसी, खास करके ब्लॉकिंग और एक्शंस जो उनके पास थे, वो कैसे आए ये समझ नहीं आ रहा था हमको, और हम तो 18-19-20 साल के ही थे, तो उसने ये कैसे किया होगा, क्या ये डायरेक्टर बताता है या ये खुद से करता है, अगर खुद से करता है तो ये इतना इंटेलिजेंट कैसे है कि ये खुद से ले आता है, ये सब आता था हमको क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। तो एक दिन विरासत के एक्टर हैं सुकुमार टुडू, आप उनको जानते होंगे, तो उनसे किसी बातचीत के दौरान पता चला कि जब वो बड़े भाई का कैरेक्टर विरासत नाटक में करते हैं तो उनको अनुराधा मैम ने किस एक डायलॉग होता है जहाँ पे वो अपनी जो उनकी माँ होती है उनके प्रति बहुत नाराज होती है क्योंकि शायद उनकी उनकी बेटी घर भाग जाती है किसी और के साथ, तो वो बहुत नाराज होते हैं, लेकिन अब उस नाराजगी में क्या कर सकते हैं, डायलॉग दो चार जो है वो तो उनके पास है ही, वो भी मराठी में लिखा हुआ हिंदी में ट्रांसलेटेड डायलॉग, लेकिन और वो क्या कर सकते हैं। तो मुझे, हम लोगों की जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैम ने मुझे ये बोला कि तुम्हें कल कुछ ऐसा करना है जो तुम अपनी माँ के सामने कभी नहीं कर सकते। अब क्या करना है वो तुम सोच के आओ, लेकिन वो बेइज्जती भी नहीं हो, वो गंदा नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने काफी तैयारी की, कुछ कुछ और अगले दिन बहुत सारी चीजें ट्राई की, नहीं हुआ, फिर उसके नेक्स्ट डे भी ऐसे कुछ चलता रहा, फिर उन्होंने कुछ तो आवाज निकालते हुए एक एक्शन ऐसे ऐसे कुछ हल्का सा किया अपनी पूरी बॉडी यूज करते हुए, अगर आपने वो नाटक देखा हो तो वो टर्र की कुछ आवाज निकाली। तो जब हमने वो देखा तो हम ऐसे हो गए थे शोरे कि ये क्या था, ये डायलॉग था, ये क्या था, ये इसने क्यों किया, और हमें ये समझ आ गया कि इसने अपनी बेटी के भागने की सारी जिम्मेदारी कि तूने उसे आजादी दी थी अपने माँ पे थोप दी इतनी सी बात से, ये हमको समझ आ गया और वहां सारा टेक्स्ट हट गया।
तो एक दो और लोगों से पता लगी, उन्होंने भी बोला कि अभी तक तुम डायलॉग के पीछे भागते हो, लेकिन ये जो कुछ बड़े डायरेक्टर्स हैं ये तो डायलॉग को कुछ मानते ही नहीं है। इनका कहना है कि सही डायलॉग है। तो सबसे कम इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये कुछ बिल्कुल चीजें ठीक थी कहा। जो मोटिवेट किया कि हाँ, तो अभी भी मेरा ये सपना रहेगा कि अगर मुझे अनुराधा मैम के साथ काम करने को मौका मिले तो मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। अभी तक नहीं मिल पाया, तो इसीलिए तो एक तो वो इस पॉइंट पर मैं एक। आपको धन्यवाद देना। हाँ बोलिए बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कर, हाँ बोलिए नहीं, बोलिए। मैं वही कह रहा था कि वो एक ऐसा सपना है अभी भी, और ट्राई करते रहते हैं कहीं से कुछ ऐसा हो, मैम कुछ शुरू करें जिसमें हम जुड़ सके, तो बिल्कुल उसमें यही कह रहा था। बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली हमारा जो आज का इंटरव्यू इसी बात पर था कि डायरेक्टर और एक्टर का संबंध केवल ये नहीं कि डायरेक्टर उसको डायरेक्ट कर रहा है या उसको एक एक पार्ट की तरह समझ रहा है अपने प्रोडक्शन की, लेकिन उस अभिनेता या उस टेक्नीशियन से वो ऐसी क्या चीजें निकलवा रहा है जो उनके उनके नाटक को एक नई गति और नई दिशा देता है। जैसे आपने बताया कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज अनुराधा जी ने अपने अभिनेता से निकलवाई, और यही बात अगर आप किसी टेक्नीशियन से भी करेंगे तो टेक्नीशियन भी बताएंगे कि वो बार बार कैसे वो निर्देशक अपने टेक्नीशियंस को नई दिशाओं में खुलने को मोटिवेट करता था। इन्हीं चीजों की हम लोग एक्चुअली बात करने की कोशिश कर रहे थे कि नई विजुअल लैंग्वेज और नई लैंग्वेज जो कि बियॉन्ड वर्ड्स है उसको कैसे खोजता है निर्देशक, उसकी तरफ कैसे बढ़ता है निर्देशक। नहीं तो एक टेक्स्ट को आप प्रेजेंट करें वो तो कोई भी कर सकता है। आप फॉर्मेट तो सेम ही बिल्कुल होता है ना किसी भी प्ले का। अगर अगर आप प्ले देखें और प्ले में कई तो जो नाटक है उनमें तो सारे डायरेक्टोरियल भी लेखक ही दे देता है, तो उसको करना इतना आसान हो जाता है कि उसको इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट बिल्कुल में एक नई चीज निकालना, जैसे कल भी एक इंटरव्यू ले रहा था मैं, तो वहां पर यही बात हो रही थी कि बापी बोस जी ने अभी संगीत नाटक अकेडमी में जब उनको अवार्ड मिला निर्देशक का, तो उन्होंने आषाढ़ का एक दिन किया, तो वो इस बात से नाराज थे कि अकेडमी ने उनको वो लाइट और वो एसटी व्यवस्था प्रोड्यूस ही नहीं कराई। तो उनका कहना था कि ये तो जो टेक्स्ट है वो तो टेक्स्ट मोहन राकेश का है, मेरा काम तो इसमें डिजाइनिंग और लाइटिंग का ही है, अगर आप मुझे वो इक्विपमेंट नहीं देते तो मेरा कहाँ से चीजें निकलेगा, है ना। अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। तो प्रिंस थैंक यू सो मच, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने दिया। और निर्देशक की भी एक जिसको रेंज कहते हैं कि भाई वो अपने अभिनेताओं को चैलेंज कहाँ करता है, किस पॉइंट पर आके चैलेंज करता है, वो बहुत जरूरी है ना। वरना अगर कोई आपको बिल्कुल कहे कि आप ये याद कर लेना और 15 दिन बाद ये करके ले आना और फिर हम लोग इसको कर देंगे, तो वो कोई अभिनय नहीं होता ना। क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल नहीं, मतलब एक बात मैं इसी में ऐड करते हुए कहना चाहूंगा, आपने जहां आपने निर्देशक को अपने एक्टर को चैलेंज करना चाहिए, मुझे लगता है कि निर्देशक को, मतलब काफी लोग ऐसा सोचते होंगे कि निर्देशक को खुद को भी चैलेंज करना चाहिए। उसकी वजह बिल्कुल बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि अच्छे एक्टर खराब एक्टर की तो जिक्र बहुत है, बात बहुत होती है सर्किट में। जो नए एक्टर होते हैं उनको कम पेमेंट मिलती है, और जो सीनियर एक्टर्स हैं जो अच्छा काम, अब अच्छा काम भी क्या है वो अलग क्या परिभाषा है, करेंगे, ठीक वो अच्छा काम करके देते हैं जो चाहिए, तो उनकी पेमेंट ज्यादा है। लेकिन निर्देशकों के केस में हमने ऐसी कोई कैटेगरी नहीं डाली। मैं ये मान ही नहीं सकता कि कोई निर्देशक जो 20-25 साल की, अगर मैं प्रिंस जिसने 2019 में एक नाटक लिखा शादी के मंडप में और उसको डायरेक्ट किया और वो नाटक भारंगम सिलेक्ट हो गया, यानी कि चलिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो थोड़ा ठीक नाटक बन गया। अगर मैं 50 साल की उम्र में इतना ही एंटरटेनिंग एक नाटक बनाऊं तो मैं तो यही हूं, क्योंकि नाटक बिल्कुल एंटरटेनिंग तो मैंने 25 साल की उम्र में भी बनाया, तब भी ऑडियंस ने पसंद किया, तब उस वाले नाटक, तो मैंने क्या लर्न किया या मैंने खुद को कहाँ चैलेंज किया। तो एक्टर के चैलेंज की बहुत बात होती है। मेरे को लगता है कि बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जो, मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारी और रिस्ट्रिक्शंस हैं निर्देशक के पास और बहुत सारी और कठिनाइयां हैं, और हर फील्ड में है दुनिया के, मगर दो कुर्सी, एक सोफा, एक टेबल पे एक निर्देशक अपना हर तरह का नाटक कर देता है। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि कैसे हो रहा है, वो कैसे कर पा रहा है, क्यों कुछ चैलेंज नहीं कर रहा, क्यों कुछ ट्राई नहीं कर रहा, कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ कुछ भी कर दो, मगर कुछ तो वेरिएशन अपने लिए ही लाओ, अपने विजुअल के लिए लाओ। अब यहीं से सवाल आया, अब आपको थोड़ा सा फ्लिप कर देते हैं। अब आपको
अभिनेता की कुर्सी से निर्देशक की कुर्सी पर बिठाते हैं। तो जब आपने निर्देशन शुरू किया, जब निर्देशन शुरू किया तो आपने वो कौन सी चीजें सुनिश्चित की कि भाई ये वाली चीज तो मैं एक निर्देशक के तौर पर अपने अभिनेताओं को या टेक्नीशियंस को देना चाहूंगा, और दी भी, थोड़ा सा उसके बारे में संक्षेप में जरूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज जो फिर से मैं जिक्र करूंगा, गौरव सैनी भैया का जो मोमो प्ले, मोमो के दो शो किए हमने उस नाटक के, शो बहुत बेहतरीन नहीं रहा, मेरे दोस्त भी आए देखने, एक एवरेज शो हुआ। लेकिन मैं उन सबको ये बोलता रहा कि भाई मैंने पहली बार एक ऐसा प्रोसेस एंजॉय किया, 3 महीने में एक नाटक बनाया हमने, मैंने इस प्रोसेस को एंजॉय किया, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। तो उस दौरान गौरव सैनी भैया, पहली बार मैंने किसी निर्देशक के साथ काम किया था जो हमें ये बोलता था कि नहीं यार ये नहीं चाहिए, आई डोंट नो, फाइंड समथिंग एल्स, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, कुछ लाओ। अब वो इतना करके बैठ जाते थे और हम सोचते थे क्या करें और क्या करें, वो एक ही सीन चले जा रहा है, अगले दिन भी हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। तो बाद में ये समझ आया हमें, जब कल्मिनेट हो रहा था, प्ले कंबाइन हो रहा था, बन रहा था, कि बहुत सारी चीज वही निकली थी जो चाहते थे, या जो उनका विजन देख चुका था ऑलरेडी, या वो पहले दिन ही करके हमें दिखा सकते थे। तो इससे ये तो मैंने बिल्कुल एक्यूरेसी को लीड करना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज मैंने सोच ली थी, और क्योंकि मैं खुद, हम यंग ग्रुप है, थोड़े ही लोग हैं, तो मैं खुद भी हर नाटक में लगभग कोई छोटा कैरेक्टर कर ही लेता हूँ। तो ये चीज मेक श्योर कर ली थी कि एक्टर्स को ये बताना है कि सीन से क्या निकल के आना चाहिए इस कैरेक्टर के, उसको क्या करना है ये नहीं बताना, टेक्स्ट उसके पास है, मतलब टू मच, एक लाइन इधर बोलता हूँ, मतलब उसको ज्यादा डिटेलिंग आप अभिनेता निर्देशक के तौर पर नहीं देते, बस आपको क्या आउटकम चाहिए इस बारे में उसको लीड करते हैं, यही होगी ना बात। बिल्कुल वही, जो अगर हम ड्रामा स्कूल्स की बात करें तो जहाँ सीन का ऑब्जेक्टिव और नाटक के सुपर ऑब्जेक्टिव की जो बात होती है, तो या 5 W's की जो बात होती है कैरेक्टराइजेशन में, अगर हम कैरेक्टराइजेशन के लिए नहीं सिर्फ सीन को समझने के लिए भी 5 W's को देखे, तो वही मतलब निकलता है उसका। सही बात। तो ये चीज की उनको पर्याप्त जानकारी मिल गई, और क्या पता उसका उन्होंने कुछ बनाया जो नहीं जमा, या नहीं उतना अच्छा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा किस सेंस में, कि या तो बाकी किरदारों के साथ वो पेश नहीं आ रहा है, या अलग लग रहा है नाटक के थीम के से या कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, तो अच्छा नहीं लग रहा है इस सेंस में, तो उसको बोल दिया कि भाई ये नहीं, कुछ और ट्राई करो, तो फिर शायद वो किसी और नए एक्शन, नए और ब्लॉकिंग के साथ आए। दूसरी चीज एक और की कि जो मुझे थोड़ी परेशानी होती थी, कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं ब्लॉकिंग बताऊं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे कैसे बोल सकता है कि मैं वहां जाके वहीं रुक जाऊं, अरे मेरा मन आगे तक करने को चला, चलने को कर गया तो मूवमेंट ऑर्गेनिक होने चाहिए ना, मतलब मूवमेंट ऑर्गेनिक होने चाहिए, और एक्टर और उसके को एक्टर के और स्पेस से जनरेट होने चाहिए, या सिचुएशन से जनरेट होने चाहिए। जब हम ये कह रहे होते हैं एक निर्देशक के तौर पर कि जो आपने बताया कि वहां से वहां तक इतने कदम चलें, तो हो सकता है निर्देशक की अपनी रीडिंग हो, लेकिन वहां निर्देशक ये तो कर ही रहा है ना कि वो एक पूरे प्रोसेस को बाधित कर रहा है, प्रोसेस मतलब वो घटने नहीं देना चाह रहा है ना, ये हुई बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कि उसको नहीं बताना, एक्शन नहीं बताना, उससे निकलवाना, और खुद मैं भी उसका पार्ट होता था कि मैं भी अपना एक्शन निकालूं कि मेरे कैरेक्टर क्या कर रहा है। दूसरा, ब्लॉकिंग फिक्स नहीं करनी, ब्लॉकिंग हो के निकलेगी। और तीसरा ये चीज हुआ कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जो आपने कुछ नाटकों में जैसे डायरेक्शन लिखी होती है तो उसमें सेट भी लिखा होता है, चीजें लिखी होती है, मुझे कभी समझ नहीं आया कि नाटक के स्टार्टिंग में पूरा सेट कैसे इमेजिन हो सकता है। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि शायद मेरा विजन उतना स्ट्रांग नहीं है, मुझे कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि आधा नाटक बनने के बाद सेट की कुछ चीजें इंट्रोड्यूस हुई, जहां आप लगा कि अरे ये तो होना चाहिए, ये चीज लाओ, कुछ ब्लॉकिंग अब यहाँ पे होगी, तो वो चीज बाद में धीरे धीरे लोगों ने बताया कि अच्छा जो तू ये प्रोसेस करता है इसको डिवाइसिंग कहते हैं। राइट, तो आप डिवाइस वही डिवाइसिंग जो, बिल्कुल बिल्कुल, बोले 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 बोले। तो ये कुछ चीजें हैं जो जो रूल्स थे, दरअसल उस रूल्स को तोड़ते हुए काम करने की कोशिश की, तो ये एक निर्देशक के तौर पे शुरुआत। और इसमें भी एक कमाल चीज ये रही कि
लगभग हर नाटक जो किए हैं हमने या मैंने निर्देशित किए हैं वो सारे मैंने खुद ही लिखे हैं, तो इसलिए भी वो प्रोसेस और इंटरेस्टिंग हो जाता था हमेशा। यस yes. तो अंतिम सवाल जाते जाते कि, और उसमें आपको अगर और भी कोई बात शेयर करनी हो तो उसी सवाल में आप कह दीजिएगा कि अभिनेता को निर्देशक के साथ काम करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब अभिनेता को अपनी तरफ से क्या देना चाहिए निर्देशक को? मतलब मुझे लगता है जो मैंने कई मेरे जो जूनियर्स जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, मुझे मैं ऐसा मानता हूं कि काम मत करो लेकिन खराब काम मत करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हर तरह का काम करो फिर छांट लो, लेकिन वक्त नहीं लगता खराब आदत सीखने में। ये भी रियलिटी है, ह्यूमन रियलिटी। वक्त सही नहीं बात। लगता एक तरह का एक्टर बन जाने में, वक्त नहीं लगता। जैसे कुछ एक्टर हैं जिनका जो स्टाइल है एक्टिंग का वो बहुत नरेटिंग है, मैंने खुद नोटिस किया है जब मैं थिएटर को देखता हूँ, तो क्योंकि अभी कभी सोलो प्लेस करें, कभी कुछ करा कभी कुछ करा, उसके बाद उनका स्टाइल ही बन गया नरेटिंग सही और वो बात, नहीं जाते बिल्कुल उनके ठीक अंदर। कहा। नहीं मानना है कि मत करो लेकिन खराब मत करो। अब उसमें यह है कि आप देखो कि किसी भी डायरेक्टर के साथ काम करने से पहले उसका कोई नाटक जरूर देखो, ये मैं कहूंगा, ये सजेस्ट बिल्कुल करूंगा। अब ठीक बात। वो देख लेते हैं कि अच्छा फ्रेशर्स कैन अप्लाई, एक्टर्स रिक्वायर्ड, ये सब पोस्टर देख के वो सीधा चले जाते हैं, सीधा एक प्रोडक्शन के पार्ट हो जाते हैं, फिर एक शो करते हैं जो शायद कभी एवरेज होता है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी खराब होता है, और फिर उसके साथ दोबारा काम नहीं करना चाहते। अगर उसका पहले ही कोई नाटक देख चुके होते और आपको वो समझ आ जाता या तो बात बनती या नहीं बनती, तो आप पहले ही नहीं करते, कम से कम एक खराब एक्सपीरियंस से तो बचते। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जिनके साथ काम करने के लिए जिनको आप चूज कर रहे हैं, जिनको गुरु बना रहे हैं, उनका काम भी देखे। मैं ये नहीं कह रहा कि जज करे या कुछ, लेकिन देखे, उससे आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। तो बहुत अच्छा ये आपने कहा। और अक्सर, बिल्कुल हाँ, और अक्सर लोग मुझसे भी कहते हैं कि सर कोई अच्छा थिएटर ग्रुप बताइए, कोई अच्छा डायरेक्टर बताइए, मुझे बोलते हैं। बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि काफी लोग जुड़े हुए, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि अच्छा और बुरा जो निर्णय लेगा वो आप लेंगे। आप बिल्कुल जाइए, सारे नाटक देखिए, आपके टेम्परामेंट को कौन सी चीज फपती, जो मैं अच्छा कह दूंगा बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल चाहिए होगा कुछ और। आप टिकटॉक जनरेशन है ना, तो आप ढूंढ रहे होंगे कुछ, मैं आपको राजेंद्रन के पास भेज दूं कि जाइए संस्कृत नाटक आप सीख लीजिए, तो आप कहोगे कहाँ भेज सर ने, है ना, तो बिल्कुल मेरी सही अभिरुचि अलग हो सके। अच्छा, अब जाते जाते दो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल, उसमें आपको एक ही जवाब देना है, मतलब उसमें से जैसे बोले करण जौहर का ये अच्छा, एक्टर या डायरेक्टर? डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर, मैं गुड। इस चीज को लेके आप बताओ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। और दूसरा सवाल है कि क्या डायरेक्टर को पर्सनल होना चाहिए, पर्सनल इन द सेंस कि एक्टर्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए, कॉर्डल रिलेशनशिप रखना चाहिए, या प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना चाहिए? एक जवाब, पर्सनल। पर्सनल रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है उसका चाहिए। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस, हमारे पास बातें करने के लिए तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इस कार्यक्रम को एक सीमित समय में भी हमें खत्म करना था। अब अगर आप दो लाइनों में कोई अंतिम बात कहना चाहें जो इस पूरे इंटरव्यू के दौरान रह गई है, तो वो कहते हैं, और उसके बाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम प्रिंस। बिल्कुल, सबसे पहले तो भैया थैंक यू सो मच कि मुझे आपने ये मौका दिया, और मौका एज इन ऐसा नहीं है कि हम किसी मंच पे इस चीज को कर रहे हैं और ऑडियंस बैठी है, हाँ मगर बहुत सारी बातें होती है हमारे मन में जो करने का कई बार मौका नहीं मिलता। तो यहाँ बिल्कुल, कुछ चीजें ऐसी शेयर की मैंने जो शायद एक दो बार ही कहीं मौका मिला और शेयर की, और हाँ चाहता हूँ कि लोग जाने इस चीज को, लोग समझे इस चीज को। हाँ तो ये बिल्कुल, प्लेटफॉर्म रहा अभी, ये काफी अच्छा लगा मुझे कि आपने मौका दिया, और मैंने भी बिल्कुल मैं तैयार हुआ कि हाँ ये हो सकता है। जबकि आप चाहें तो आराम से और भी कई सीनियर लोग हैं उनके साथ ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आप यंग बिल्कुल टैलेंट को प्रमोट करते हैं ये मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छी चीज है ये। और साथ ही ये कोर्स जिसके लिए आप ये चीज कर रहे हैं, तो मतलब ये मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, क्योंकि हम मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में जामिया, जेएनयू, अंबेडकर और एनएसडी,
इन सब जगहों पे ड्रामा से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ाई या प्रैक्टिकल चीज हो रही है, लेकिन ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा अभी पिछले 10 साल। बिल्कुल ऐसा नहीं, किसी से बात करके कुछ इंटरव्यू करके लाओ तो। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा ड्रामा, हाँ, और हमारा ड्रामा डिपार्टमेंट इतना क्रिएटिव है कि उसने ये नहीं कहा कि आप जाके आमने सामने लो, उन्होंने कहा टेक्निक है तो टेक्निक को यूज कीजिए। अब जो हमारा ये इंटरव्यू हो रहा है इसको भी उन्होंने अलाउ किया, उन्होंने कहा कि भाई आप उस तरीके से बात कीजिए। तो मैं ड्रामा डिपार्टमेंट की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं सच बताऊं, आज आपसे बात करके भी मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिला। मतलब हमारी बातचीत तकरीबन घंटों घंटों होती है, लेकिन घंटों घंटों में भी 3-4 पॉइंट ऐसे, जैसे आपकी जो शुरुआती आपने बताया कि कहां से डिवाइसिंग शुरू की थी, फिर आप अनुराधा मैम के प्रोसेस को किस तरह से आपने देखा है, फिर आपके प्रोसेस को भी मैं और करीब से जान पाया। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, और मैं ये भी मानता हूं कि आप बहुत परिश्रम करते हैं, और मैंने भले ही मैं काफी लोगों से बात कर सकता था, काफी सीनियर लोगों से बात कर सकता था, लेकिन प्रिंस को चयन करने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि प्रिंस लगातार काम कर रहा है। और ये इंटरव्यू लेने के बाद, इसको मैं अभी रखेंगे रिकॉर्ड के लिए, इंटरव्यू लेने के बाद मुझे अपने चयन पर बहुत प्रसन्नता हुई कि मैंने डिजर्विंग कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू लिया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, और दर्शकों को भी बता दें कि ये इंटरव्यू हम लोग तकरीबन 10 बजे के बाद से ले रहे हैं और तकरीबन अभी 10:55 हो गए रात के, और इतने गर्म जोशी से हमने बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा साथ तकनीकी रूप से दे रहे थे हमारे दोस्त शिव, शिव का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।